इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। राम राज्य होगा, राम राज, राम जी आएंगे तब न राज्य होगा जी। जिस व्यक्ति के जीवन में राम राज्य नहीं है वो राम राज्य की कल्पना कैसे कर सकता है? बकने से आएगा राम राज्य, कहने से आएगा। राम राज्य की कल्पना होगी तो राम चरित्र को चित्त में, जीवन में अवतरित होना होगा तब। हाँ, राम राज्य जैसा राज्य हो सकता है, राम राज्य कदापि नहीं हो सकता है। राम राज्य तो राम जी के आने पर ही होगा, राम जी के जैसा हो सकता है। राम जी के राज्य जैसा हो सकता है, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति रीति। जिस व्यक्ति के अंदर ही युद्ध चल रहा है और राम राज्य कैसे स्थापित करेगा? और भगवान के तो बगल में भी युद्ध नहीं है। राम जी का क्षेत्र अयुद्ध क्षेत्र है, अवध, जिसके अंदर ही वध चल रहा हो, काम का, क्रोध का, लोभ का, मत्सर का, जो विकारी है वो निर्विकारी राम जी के राज्य की कल्पना भर कर सकता है, राम राज्य अपने शरीर में नहीं ला सकता है। ये संभव नहीं है, परिभाषित करना अलग प्रसंग है, जीना अलग प्रसंग है। प्रभु कैसे? ये प्रभु जिनसे शंभु विरंचि विष्णु भगवान उपजहि जासु अंशते नारायण। ऐसे वो प्रभु सेवक बस अहरि भगति हे लीला तनु करहि। ऐसे भगवान जो भक्तों के हेतु में लीला शरीर धारण कर लेते हैं, किसके हेतु में? भगत हेतु। भगवान अभगत के लिए नहीं आते, भगवान किसी को मारने कूटने नहीं आते, भगवान तो भगत प्रेम बस सगुण सो। यदि वेद भगवान जो कहते हैं ये सर्वथा सत्य है, हे प्रभु हमारी जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो, ऐसा चिंतन हृदय में चल रहा है, मन में नहीं चल रहा है। मन तो राम जी के चरण में लग गया है, और अभिलाष निरंतर होई, ये हृदय में अभिलाषा बढ़ रही है, निरंतर अभिलाषा हो रही है। इस प्रकार एह विधि बीते बरस खट सहस बारिया संबत सप्त रहे समी। इस प्रकार के चिंतन में रहते हुए हृदय से मन भगवान के चरणों में रमते हुए कितना वर्ष बीते? 6, 7, 13, 10 वर्ष आगे लिखा है, ये 23 वर्ष बीते। फिर क्या भैया, इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। मन तो नहीं मान रहा है क्योंकि प्रसंग में उतर गया है भाव और हृदय, परंतु बाबा कहेंगे लो कल भी कहता रह गया, आज भी कहता रह गया, तो बाबा के मधुर विवाह की कथा हम आप गान करें। भगवान ब्रह्मा ने शिव बाबा से कहा, बाबा सभी देवताओं के हृदय में उत्साह है, कितना परम उत्साह, ये संभव है? ब्रह्मा जी ने देवताओं के हृदय के उत्साह को समझा हो, नापा हो, बूझा हो तो कहे होंगे। कोई बुजुर्ग व्यक्ति किसी के बारे में गलत कयास क्यों करेगा? पितामह ब्रह्मा ने देवताओं की मर्यादा की रक्षा करने हेतु ऐसा कहा,
सकल सुरन के हृदय यस शंकर परम पूछा निज नयन देखा चाहि नाथ तुम्हारे बिना। देखिए उत्साह और भय ये दोनों चेहरे पर साफ साफ प्रत्यक्ष हो जाते हैं। उत्साह का हो कहे बुझाइल बार ना ना कोई बात नहीं कौनो बात रहती तो आपसे चिपल बा यदि बात नहीं है तो अगला पूछ के और अब तक न पूछा। भगवान शिव ने जाते ही पूछा कहो आए के हेतु क्या है आप आए क्यों क्यों क्योंकि कब पहले नहीं आए। यह स्वभाव होता है साहब भगवान ब्रह्मा ने संभाल दिया। सबके हृदय में उत्साह है कि आपका मंगल महोत्सव देखें विवाह का। भगवान शिव ने प्रभु के वचन का स्मरण हुआ तो कह दिया तथास्तु वैसा हो करिए। सप्तऋषि गए माँ के पास जय जयकार किए। हिमांचल जी के पास गए काम धन सुनाया रति को वरदान सुनाया फिर लग्न पत्रिका लिखवा कर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने बांच के सबको सुनाया और उत्साह से लबरेज समन्वित भरे पूरे देवता लोग फिर अपने अपने लोग भागे कहे गए तैयार होने किस लिए विवाह में चलना है। लगे समारन सकल सुर हो ही मगल हो ही सगुन मंगल सुभ कर ही अपछरा गा। मुझे ये प्रसंग सोचकर हंसी भी आती है आनंद भी आता है। आए थे लोग विवाह करवाने फिर भागे कपड़ा पहनने कपड़ा बदलने। कई लोगों की कपड़े में बड़ी आसक्ति होती है जैसे देवताओं की है। हो ही सगुन मंगल शुभद वहां कर रही अपछरा। अब सुनाए नित्य कर रही कहां देवलोक में दुल्हा कैलाश पर। देखिए लीला चार बज गया हो कोई नहीं आया। तब गणों ने बाबा से कहा बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग को सजावट कर लें। सेवा सुष्ट पुष्ट व्यवस्थित होती है हर व्यक्ति सजा नहीं सकता हर व्यक्ति संहार नहीं कर सकता। ये जो हॉस्पिटल में नर्स बहने होती है ना ये अपने रोगी की कितनी सेवा करती जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती। बहुत तप का काम है सरल काम नहीं। मैं जब किसी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो उनको बहन जी कह के बुलाता है बहन जी जरा इधर आइए। तो ज्यादा समझदार लोग ए नर्स बोतल निकालो बोतल ऐसा निकाल देंगे तुम्हारा ब्लड निकाल देंगे। किसी से भी कुछ सेवा ले ली हो तो थोड़ा मीठा हो लेके अभ्यास करिए। गढ़ लोक बाबा का शिव ही शिव जी को ही और किसी के पास गण है नहीं। सेवक हैं जो द्वार पर खड़े रहते गण केवल शिव बाबा के पास है। हर आदमी गण नहीं रख सकता हाँ और जो रखता है उसके गण उसी के बस के हैं भूत प्रेत वो दूसरे के बस के नहीं है साहब। हम कभी कभी प्रकाश भैया से कहते हैं कि तुम्हार गण तुम्हारे बस के हैं हमारे बस के नहीं है साहब।
इनके एक गण को कल काम बता दिया, वो चार घंटा लौटे ही नहीं। तो रात को बुलाया मैंने, अरे भाई तुमको काम बताया तुम लौटे नहीं। बोला सोच रहे थे, तब तक सो गया वो। तुमने कहा अब तो गए हैं कहीं बराती रहे, तो अब तो खबर लेवाते तो है। ये गण, गण सजा में किसको? केवल स्वामी को। उसके बीच में कोई आएगा तो उसको ठीक से सजा देंगे, बार हाथे में पकड़ा देंगे। स्वामी की सेवा वही कर सकता है जो गण समर्पण रखता हो। संभव नहीं। देखिए क्या सजाया हो, जटाएं जो बिखरी थी कम धन के समय, जटा मुकुट अहि मोर सवाया। एक ने मोर बनाया, किसका? सर्पों का, और पिना दिया हो जटाओं का मुकुट और अहि मोर। सिरों पर पूछने से क्या दिव्य स्वरूप बना है, कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अग्नि पुराण में लिखा है, स्कंद पुराण में भी इसका बड़ा सीधा वर्णन है, शिव पुराण में भी लिखा है, पढ़िएगा। जनेऊ तो वासुकी महाराज का बना, कानों में एक में कंबल, दूसरे में अश्वतर, हाथों में कंकड़, कर कोटक और कुलकी का बनाया गया, भुजबंद शंख और पद्म का बनाया गया। ऐसा नहीं कि चाहे जो सांप आकर के चिपका दिए गए, गणों ने व्यवस्थित किया, कौन कहां रहेगा, किसकी कितनी अवस्था है। सुंदर लगे हो, हर वस्तु का श्रृंगार सबको नहीं आता, तो ध्यान रखने की बात है। श्रृंगार जो करता है उसको दिखता नहीं है, और कोई श्रृंगार करे उसको देखने वाला ना हो तो दोबारा श्रृंगार करने का मन नहीं करता। गण लोग बाबा का श्रृंगार करते जाते हैं और निरखते जाते हैं। ए दिखाओ कैसा लगा, अरे बहुत दिव्य, सस्य ललाट कैसा सुंदर, सिर गंगा कैसी सुंदर, यही सुंदर है, भस्म लेप किए ये सुंदर नहीं लिखा, बाघंबर पहनाए सुंदर नहीं लिखा, पूरे अलंकरण में दो ही सुंदर हैं, एक चंद्रमा एक गंगा जी। शशि ललाट सुंदर सुंदर सिर गंगा, अन्योनाश्रय है दोनों ओर है, अवश्य हो भवरस विरति। सुंदर चंद्रमा सुंदर गंगा मैया, और सब अलंकरण दर्शन करिए। नयन तीन उपवीत गंगा मैया, किसी ने पूछा गंगा मैया सिर पे क्यों है, और गंगा मैया रखी कहां जाती है, पीठ पर। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।